give two examples of each of situations in which you push or pull to change the state of motion of objects. क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें दो एग्जाम्पल देना है सिचुएशंस का जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करें या फिर पुल करें टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब है अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाए, या फिर अगर वो मोशन में है यानी कि मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो वो रेस्ट में आ जाए। किस वजह से आएगा, या तो हम उस ऑब्जेक्ट पर पुश लगाएंगे या फिर उस ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे। ठीक है, सो पुश और पुल का कैसे समझेंगे हम। सो गिवन फिगर में अगर हम देखें, ये पर्सन इस डोर को पुश कर रहा है जिसकी वजह से ये डोर दूर चला गया इससे। ठीक है, और पुल को हम समझते हैं, पुल में क्या होता है, हम फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ जाता है। दोनों चीज उल्टी है, पुश में हम फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट्स को अपने से दूर करते हैं और पुल में हम फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। तो हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, दो एग्जांपल बताते हैं। तो अगर हम बात करें पुल की, सो अगर इस फिगर में हम देखें, अगर हमें किसी वेल से पानी निकालना होता है बकेट से, तो हम इस रोप को हम पुल करते हैं जिसकी वजह से ये जो बकेट है ये अपवर्ड मूव करेगी। तो हम इसको अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ पुल में ये ए है, तो इसको हम लिखेंगे इन ऑर्डर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल वी पुल द रो this action moves bucket upward। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। क्या एग्जाम्पल हुआ कि अगर हम रोप पर फोर्स लगा के उसको पुल करेंगे ऊपर की तरफ जिसकी वजह से जो बकेट है वो हमारी पानी से भरी बकेट ऊपर आ जाएगी। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल पुल का। सो अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें पुल की, हमने देखा होगा कि हमारे घर में जो ड्रॉर्स होती हैं तो हम अपने हैंड से ड्रॉर को पुल करते हैं उसको ओपन करने के लिए। सो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया पुल का। इसको क्या लिखेंगे हम, इन ऑर्डर टू ओपन ए ड्रॉअर वी अप्लाई ए पुल ऑन द हैंडल जिसकी वजह से जो ड्रॉअर इनिशियली रेस्ट पे थी वो मोशन करके बाहर की तरफ आ जाती है। अप्लाई ए पुल ऑन द हैंडल टू ओपन द ड्रॉअर। सो ये दो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े पुल के। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये रहा रोप, जब हम पानी को निकालते हैं कुएं से रोप की हेल्प से। और सेकंड एग्जाम्पल जो कि हम डेली लाइफ में अपने घर पे भी देखते हैं कि हम पुल करके ड्रॉअर को बाहर निकाल लेते हैं। अब बात करें पुश की, पुश के दो एग्जाम्पल्स की। सो ये देखो कि व्हेन ए फुटबॉलर, जब एक फुटबॉलर फुटबॉल को
किक करता है, वो एक्चुअली बॉल को पुश कर रहा है, सो दैट द बॉल मूव्स अवे। सो अगर हम पुश के एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल ए इज ए फुटबॉलर पुशेस, या हम इसको और अच्छे वर्ड में लिख सकते हैं, किक्स दी बॉल सो दैट द बॉल एट रेस्ट मूव्स अवे फ्रॉम प्लेयर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमने पुश का भी स्टडी कर लिया। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें पुश की, तो सो हमने डेली लाइफ में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि घर में कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, उसको मूव कराने के लिए, उसको शिफ्ट कराने के लिए हम उस पर एक फोर्स लगाते हैं, एक पुल लगाते हैं, जिसकी वजह से वो शिफ्ट कर जाता है अपनी पोजिशन पर। सो ऑप्शन सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, टू मूव ए हैवी ऑब्जेक्ट एट हाउस वी पुश द ऑब्जेक्ट सो दैट दिस एक्शन मूव्स द ऑब्जेक्ट विच वॉज एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, उसको हम पुश लगाते हैं, तो पुश लगाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हो गए पुश और पुल के। पुश और पुल के और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये सिर्फ दो एग्जाम्पल्स हमने स्टडी करें।